ठंड में ड्राई फ्रूट स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, जिसमें मुनक्का हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद और शक्तिवर्धक होता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं मुनक्के से होने वाले लाभों के बारे में, और साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे खून को साफ रखने के आयुर्वेदिक नुस्खे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है मुनक्के की दमदार खूबियां। मुनक्के में ऐसे कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं जिस वजह से मुनक्के को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, ऐसे क्या क्या फायदे हैं मुनक्के में? देखिए, मुनक्का जो है बड़ा कॉमन है, ड्राई फ्रूट्स में बड़ी कॉमन सी चीज है और आम तौर पर उपलब्ध होता है। गुण इसमें बहुत सारे हैं, स्वादिष्ट है, मीठा है, मधुर रस है, आयुर्वेद की दृष्टि से बलवर्धक है, शक्ति हमारे बॉडी में बढ़ाता है, धातु वर्धक है, ओज वर्धक है, और इसके अलावा इसमें एक गुण है विरेचक, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं। विरेचक का मतलब होता है कि ये पेट साफ करने के लिए, आंतों को शक्ति देने के लिए भी काम में आता है, और इसको एंटी एजिंग भी कहा, यानी कि रसायन इसको कहा गया आयुर्वेद के अंदर। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे जैसे आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो अनेक प्रकार के गुण मुनक्के में है। इसका प्रयोग जो है आम तौर पर जो है सर्दियों के समय तो किया ही जाता है, लेकिन अगर थोड़ी मात्रा में आप गर्मियों में भी प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती है, मीठा होने की वजह से ये शरीर में इतनी ज्यादा हीट पैदा नहीं करता है। रोज अगर आप 10 मुनक्के खाएंगे तो बीमारियां हो जाएंगी छू मंतर। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि मुनक्के के इस्तेमाल से सेहत से जुड़ी किन किन दिक्कतों या बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ड्राई फ्रूट सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर मुनक्का जैसे कि आपने बताया, तो ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं या शरीर की समस्याएं हैं जिनसे समाधान मिल सकता है अगर हम मुनक्के का प्रतिदिन प्रयोग करें? जी बिल्कुल, देखिए एक तो एनीमिया जो होता है, खून की कमी है, उसमें मुनक्का बहुत फायदा करता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, तो हड्डियों की जो बीमारियां जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है या दांत किसी के कमजोर है, खासतौर से जो ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, छोटे बच्चे होते हैं, उस समय उनको थोड़ा देखना चाहिए कि अगर उनको एक दो मुनक्का खिलाया जाए तो उनकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, दांत भी उनके मजबूत होंगे। इसके अतिरिक्त कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए मुनक्का बहुत बढ़िया काम करता है। लो ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो आपका, उसके अंदर भी मुनक्का अच्छा काम करता है। और इसके अतिरिक्त हम देखें तो कई लोगों को जो है शरीर में धातुओं की कमजोरी होती है, जो वीकनेस बोलते हैं इसको, थकावट या फटीक जिसको हम बोलते हैं, तो वो चीज भी मुनक्के के सेवन से हम लोग दूर कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हाइपर एसिडिटी में भी मुनक्का काम आता है, जिस किसी को ज्यादा एसिडिटी हो, जलन ज्यादा होती है, तो उसके लिए भी मुनक्के का प्रयोग किया जाता है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रोहित। रोहित बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मेरी माता जी को ना थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, कब से है प्रॉब्लम? जी है सर, 6 महीने से। अच्छा, तो अभी कुछ इलाज कर रहे हैं उनका? जी एलोपैथिक लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा से हो जाता है, मोटापा बहुत ज्यादा होता है। नहीं, वो देखिए मोटापा तो थायराइड के साथ जुड़ा होता है, थायराइड जब किसी को होता है तो वजन में फर्क पड़ता है, उनके पेल्पिटेशन होती है, दिल घबराता है, ये सब लक्षण थायराइड के हैं। लेकिन आपको जो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक तो जो है उनका जो थायराइड का फंक्शन है उसको हमें ठीक रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए आयुर्वेदिक औषधियां तो काम करती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ दिन एलोपैथिक दवाई भी उनको देनी पड़ेगी तो वो शुरू चालू रखिए, उसको बीच में बंद मत करिए, क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि जब आप दवाई देते हैं तो वो ठीक रहती है, दवाई बंद करें तो फिर दोबारा से प्रॉब्लम होती है, तो दोबारा प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आयुर्वेदिक उपचार साथ में आप शुरू करें, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों साथ साथ शुरू करें, और कुछ दिन बाद 3-4 महीने के बाद फिर एक जो है उसका निर्णय, वो रिजल्ट करा करके, एक टेस्ट करा करके देखा जाएगा, और उस समय हम देखेंगे कि एलोपैथिक दवाई को किस तरह से धीरे धीरे कट ऑफ करना है, कैसे कम करना है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जहां तक मोटापे की बात है उसके लिए एक नुस्खा उनको मैं बताता हूँ, वो बताइए उनको, सुबह जब वो सोकर के उठती है तो 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिला करके पिए, और सौंठ का चूर्ण अगर घर में है तो सौंठ का चूर्ण खाना खाने के पश्चात आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार लें, और बहुत बढ़िया रहेगा कि जब वो खाना खाती हैं तो उस समय पानी गुनगुना पिए, गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से पाचन अच्छा होता है, हमारे शरीर का फैट भी गलता है, चाहे तो उसमें थोड़ी ताजा अदरक उबाल करके पानी में, उस पानी को घूट घूट करके खाना खाने के साथ पीते रहे, उससे फर्क पड़ेगा उनको। लेकिन जो थायराइड की प्रॉब्लम आपने बताई उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयां लेनी पड़ेगी, औषधि लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप संपर्क करें
चाहे तो जीवा के डॉक्टर से आप फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या हमारी क्लिनिक्स हैं अलग अलग शहरों में, वहां जाकर के भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। क्लिनिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे नंबर पर फोन करें या वेबसाइट पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। आज संजीवनी में हम बात कर रहे हैं मुनक्के की खूबियों की। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मुनक्के से हड्डियां मजबूत होती हैं, कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि मुनक्का का अगर आप सेवन करते हैं, अगर आप इसे रोज लेते हैं, तो उम्र आप जवान बने रहते हैं। कितना सही है? बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद में मैंने शुरू में जब गुण बताए तो मैंने जिक्र किया था कि मुनक्का जो है वो रसायन औषधि है। रसायन का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि जो आपको हमेशा जवां बना के रखे। लेकिन इसका अर्थ समझने वाली बात है, ऐसा नहीं कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, शरीर की तो एजिंग होगी होगी, लेकिन यदि मुनक्के का आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपका शरीर जो है उसमें किसी प्रकार की जो है शक्ति की कमी नहीं होगी, एनर्जी की कमी नहीं होगी, चेहरे पर तेज रहेगा, आपकी इंद्रिय सब अच्छी तरह से काम करती रहेंगी, आपका मेमोरी पावर, आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका जो है माइंड जिसको हम विल पावर डिटर्मिनेशन, ये सब स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो किस तरीके से कोई खास तरीका हो इसे लेने का, क्या दूध के साथ इसे कंबाइन करके? दूध के साथ इसका सेवन किया जाए बहुत अच्छा रहता है। 4-5 मुनक्के जो है आप दूध में उबाल करके पिए। लेकिन यहाँ एक चीज बतानी बहुत जरूरी होगी कि आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि वो ऐसी चीजें खाते हैं तो मैं जवां बना रहा हूँ, लेकिन जवां बन करके फिर क्या करते हैं वो, और शरीर को नष्ट करते हैं, उसको शक्ति को कहीं यूज करते हैं, उसको गलत जगह पर प्रयोग करते हैं या उसको एंजॉयमेंट में वो यूज करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जब रसायन चिकित्सा की बात लिखी चरक ऋषि ने, तो उन्होंने कहा कि जो भी लोग रसायन सेवन करें, जो लंबे समय तक जवां बने रहना चाहते हैं, उनको संयम बरतना चाहिए अपने जीवन में हर तरह से, खान पान पर, लाइफस्टाइल पर, माइंड पर, इवन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमारे ओज की जो है क्षीणता होती है शरीर में, हमारे शरीर की जो शक्ति है जो हमें जवां बना के रखती है वो इन्हीं कार्यों से जो है उसमें कमी आती है। और मुख्य रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है कि द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, ये सब चीजें भी ओज को क्षति पहुंचाती है हमारे शरीर के अंदर, ओज की कमी इससे होती है। तो ऐसा नहीं कि एक तरफ हम रसायन सेवन कर रहे हैं, मुनक्का खा रहे हैं, दूसरी तरफ गुस्सा भी कर रहे हैं, किसी से जेलसी भी रख रहे हैं, और जो है हम अपने शरीर को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर वर्किंग में लगा रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर उसका फायदा नहीं दिखेगा आपको। हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आपकी जो औषधि है जो आपको शक्ति दे रही है, वो आपका बैंक बैलेंस है, ओजस जिसको बोलते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। अगर जितना आपने कमाया उससे ज्यादा गंवा दिया तो फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो संजीवनी में आज हम बात कर रहे हैं मुनक्के की खूबियों की। आपने जाना डॉक्टर साहब से किस तरीके से आप अगर प्रतिदिन मुनक्का लेते हैं तो ये आपको फायदा पहुंचा सकता है, आपकी हड्डियों को मजबूत कर सकता है, आप में ऊर्जा भर सकता है, एनर्जी भर सकता है, लेकिन क्या क्या सावधानियां बरते मुनक्का खाते हुए ये जानना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ऐसा जैसा कि आपने बताया कि मुनक्के खाने से कितनी सारी खूबियां हैं, आपके शरीर को शक्ति मिल सकती है, लेकिन इसको देखकर दर्शक ये ना समझे कि वो कभी भी और कैसे भी मुनक्के को खा सकते हैं, तो क्या कुछ खास सावधानियां ऐसी हैं जो बरतनी चाहिए मुनक्के को खाने में? बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज तो है कि आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपको पता चला कि मुनक्का ताकतवर है तो लगे एक पाव मुनक्का खाने लगे रोज। 10-12 मुनक्के से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि मीठा होता है, तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को तो हम मना ही करेंगे, वो ना खाएं तो अच्छा है। और कभी कभार इच्छा होती भी है खाने की तो वो ओकेजनली कम मात्रा में सेवन कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा होती है, पेट साफ करता है, तो ऐसा नहीं हो कि कभी ज्यादा मात्रा में खाएं तो पेट ही आपका ढीला हो जाए, पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। सेवन करें उचित मात्रा में और उचित तरीके से। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो हमारे यहाँ फोन करके डॉक्टर से उसका विस्तार से जानकारी ले लीजिए आप। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, अरविंद। अरविंद जी, पूछिए आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं। जी हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं अपना वेट बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो वेट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अभी आपकी उम्र कितनी? सर 20। और खाना वाना ठीक से खाते हैं आप? सर भूख ही नहीं लगती। भूख नहीं लगती है? हाँ जी। और अगर जब जो कुछ भी खाते हैं वो ठीक से पचता है या कुछ? हाँ, गैस पचता तो ठीक है जी। गैस वगैरह, एसिडिटी कोई चीज ऐसी होती? नहीं नहीं सर। अच्छा, देखिए जब हम वजन बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें देखना पहले ये है कि क्या मेरा वजन जो है अभी वो नॉर्मल है। नॉर्मल से मतलब क्या हो सकता है कि किसी किसी का वजन नहीं बढ़ता है, प्रकृति उसकी बात वाली होती है, लेकिन उसको शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको भूख भी अच्छी लगती है, खाना भी पचता है, शरीर में शक्ति भी रहती है, कोई किसी प्रकार की उसको कमजोरी नहीं रहती, तो उसको हम सजेशन नहीं देते हैं कि आप कोई प्रयास करें वजन बढ़ाने का। लेकिन जैसा आपने कहा
आपके केस में भूख आपको नहीं लग रही है ठीक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है सिस्टम में। और भूख लगने के लिए हम आपको क्या बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो उष्ण वीर्य जो जितनी भी गर्म तासीर वाली चीजें उनको मत लीजिए, खास तौर से खाना खाने से पहले कोई लिक्विड मत लीजिए। जैसे कई बार पानी पी लेते हैं कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग जूस पी लेते हैं, खाना खाने के पहले बिल्कुल मत लीजिए। दूसरा, दो भोजन जो आपके हैं उनके बीच में कम से कम 4-5 घंटे का डिफरेंस उसमें जरूर होना चाहिए। और जब भी खाना खाएं वो खाना सुपाच्य हो, आराम से जो डाइजेस्ट हो जाता है वो होना चाहिए और पौष्टिक भी होना चाहिए, तो उससे आपकी अग्नि थोड़ी सी मजबूत होगी, प्रदीप्त होगी। इसके अलावा अग्नि को तेज करने के लिए, भूख लगाने के लिए थोड़े से अदरक के टुकड़े छोटे छोटे से काट कर नींबू के रस में भिगो के रख लीजिए आप। और जब भी आप खाना खाने जाते हैं तो उस मिक्सचर में से एक चम्मच आप चबा करके खाइए 5 मिनट पहले, भोजन से 5 मिनट पहले। इस प्रकार से आपको भूख लगेगी, आपका पाचन ठीक होगा, आपकी अग्नि ठीक होगी और भूख लगेगी, और जो खाना खाएंगे आप वो पचेगा, तो फिर वजन भी आपका बढ़ेगा। उसके बाद आप दोबारा फोन करेंगे हमें तो आपको हम ये भी बताएंगे कि उस समय क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए, लेकिन पहले भूख लगना जरूरी है, यानी कि आपकी अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो, उसमें थोड़ा सा जो है ताकत आए, वो उसको जो है खाने की इच्छा उसमें पैदा हो आपके अग्नि के अंदर। अभी जो डल पड़ी हुई है, मंद पड़ी हुई अग्नि, उसको पहले तेज करना है, और वो एक बार तेज होगी तो फिर जो आप आम खाना भी जो खाते हैं, आम तौर पर जो रोज खाना खाते हैं, उसी खाने से आपका वजन बढ़ेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या होगी तो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिनको सेवन करके आप वजन भी बढ़ा सकते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे मुनक्के को लेकर क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब देखिए, मुनक्का जैसे मैंने कहा कि कब्ज के लिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, 4-5 मुनक्के वो पानी में भिगो दें, रात को भिगोएं और सुबह उसको चबा करके खाएं, या उसको थोड़ा उबाल लें पानी को तो वो पानी भी पिए गरम गरम और वो मुनक्के भी खाएं, या बहुत बढ़िया रहेगा, इससे भी अच्छा रहेगा कि आप रात को जब दूध पीते हैं सोते समय उसमें 5-6 मुनक्के डाल करके उबाल करके उनको खाइए आप, और दूध भी पी लीजिए, तो इससे आपका पेट साफ रहेगा। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी रहती है, एनीमिया जिसको हो गया है, तो वो भी 5-6 मुनक्के शहद में मिला के खाए तो उससे खून बढ़ता है। जो बबच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो अभी ग्रोइंग एज में 3-4 साल के हैं, उनको मुनक्का 1-2 पीस जरूर खिलाइए। उससे क्या होगा, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, दांत मजबूत होंगे, और उनको जो है शरीर में शक्ति भी आएगी। और हाइपर एसिडिटी जिसको रहती है तो वो 5-6 मुनक्के पानी में भिगोए और सुबह खाली पेट वो पानी भी पिए और उन मुनक्कों को भी खाए। ऐसा भी है एक नुस्खा कि जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं वो भी मुनक्के का प्रयोग कर सकते हैं। जब उनको तलब होती है शराब पीने की, शाम के टाइम जब कभी भी होती है, तो उस समय 7-8 मुनक्के चबा करके अच्छी तरह से खाएं, तो उससे दो फायदे होते हैं, एक तो उसकी तलब कम होती है, दूसरा मुनक्का जो है नर्वस सिस्टम को भी नरिश करता है, उसके माइंड को रिलैक्स करता है, और उस प्रकार से उसके माइंड में किसी प्रकार की जो है कोई ऐसा कहें कि स्टिमुलेशन या एजिटेशन कुछ उसके माइंड में नहीं रहती, माइंड शांत रहता है, रिलैक्स रहता है, और उससे उसका फिर मन उधर नहीं जाएगा, ड्रिंकिंग की तरफ उसका मन नहीं जाएगा। संजीवनी में अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं खून को साफ रखने के आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में। तो डॉक्टर साहब क्या क्या है ये नुस्खे जो खून को साफ रख सकते हैं? देखिए, खून साफ करने के लिए जो बहुत पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर तो नीम है। नीम का देखा होगा आपने, लोग बहुत प्रयोग करते हैं। नीम के पत्ते अगर ताजे आपको मिलते हैं, 5-6 पत्ते रोज खाइए। तुलसी के पत्ते भी बहुत अच्छा काम करते हैं, 4-5 पत्ते सुबह तुलसी के पीस करके पानी में घोल के पी सकते हैं आप, उससे भी आपका ब्लड साफ होता है और कई प्रकार के और भी फायदे होते हैं। इसी प्रकार से जो घृत कुमारी है, ग्वारपाठा या एलोवेरा जिसको बोलते हैं, उसका पेड़ अगर है आपके घर में, थोड़ा सा उसका पीस काटिए, ऊपर से उसकी स्किन उतार के अंदर का जो जेल होता है वो निकाल करके वो आप खा जाइए सुबह खाली पेट, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और गाजर और पालक का जूस पीजिए आप, गाजर पालक दोनों में जो उसका जूस पीते हैं उससे आपको खून साफ होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कोई रक्त की ऐसी आपको विकार है, कोई बीमारी है ऐसी खून से संबंधित, तो उसमें आयुर्वेदिक दवाइयां जरूर लीजिए,
क्योंकि ये जो हम नुस्खे बता रहे हैं आपको, ये खून साफ जरूर करेंगे आपका, लेकिन अगर पुराना रोग है, कोई स्किन का रोग है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, या कोई और भी जहां आपको लगता है कि खून साफ करने से फर्क पड़ेगा, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है, बहुत बढ़िया काम करती है। कोई बिल्कुल ऐसी आप बात घबराने वाली नहीं है। स्किन डिजीज का कोई भी रोग हो आपको, मैं आपको कहता हूँ आज ही आयुर्वेद की शरण में आइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आपको खून साफ करने के लिए कुछ भी आप कर रहे हैं, तो खून को गंदा ना करें साथ के साथ, यानी कि ऐसा नहीं कि इधर जंक फूड खा रहे हैं उधर खून साफ करने की दवाई आप ले रहे हैं। तो हमेशा परहेज का जो है मैं इम्पोर्टेंस आपको जरूर बताता हूँ, परहेज हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसका पूरा पालन करना चाहिए आपको।